हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौजूद शेकी में और आज हम जो जगह विज़िट करने जाएंगे उसका नाम है शेकी खान पैलेस। बहुत बड़ा पैलेस है, बहुत खूबसूरत पैलेस है। देख सकते हैं स्नोफॉल हो रही है, वाओ। मैं अभी नाश्ता करने लगा हूं, नाश्ता करके निकलेंगे। मौसम तो आपने देख लिया कितना ज़बरदस्त है, तो आइए चल के देखते हैं शेकी खान पैलेस और सैर करते हैं वहाँ की। Let's go. फ्रेंड्स, ये है शेकी का मेन बाजार। शेकी जो कि इंतहाई खूबसूरत शहर है, चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ है। दोस्तों, शेकी जो है वो सिल्क की वजह से, सिल्क प्रोडक्शन की वजह से बहुत फेमस है। सो अभी मैंने एक शॉप देखी है, आइए चल के देखते हैं यहाँ पे सिल्क कारपेट। दोस्तों, जब भी शेकी शहर का नाम लिया जाएगा तो सिल्क से बने कारपेट्स का जिक्र भी होगा। यहाँ के लोगों का मेन जरिया मुआश सिल्क से बने कारपेट्स हैं। यहाँ पर इनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कितनी आला क्वालिटी के सिल्क कारपेट्स बने हैं जो कि दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ से लेकर जाते हैं। क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है। वाओ, व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ वेदर, क्या जबरदस्त जगह है, क्या जबरदस्त मौसम है, अमेजिंग। शेकी खान पैलेस, ओके, मुझे मिल गई ये डायरेक्शन शेकी खान पैलेस की। आप देखिए जरा नज़ारा। पैलेस जाते हुए आपको रास्ते में मिट्टी से बने बर्तन भी नजर आएंगे, अगर आपने लेने हो तो ले सकते हैं। दोस्तों, पैलेस में जाने से पहले हम आपको सैर कराएंगे कारवान सराय की। कारवान सराय पुराने जमाने में ऐसी बिल्डिंग हुआ करती थी जिसको रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। चूंकि शेकी सिल्क इंडस्ट्री की वजह से मशहूर था, लिहाजा यहाँ पर ताजरों का आना जाना लगा रहता था। इस खूबसूरत इमारत को ताजरों के लिए रिहाइशगाह के तौर पर यूज़ किया जाता था और उनकी चीज़ें और उनके जानवरों के लिए भी यहाँ पर जगह बनाई गई थी। दोस्तों, सन 1980 के बाद इस जगह को एक होटल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। ये जगह शेकी खान पैलेस से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर है।
जी तो फ्रेंड्स, ये जगह कारवान सराय है और बहुत ज़बरदस्त जगह है। अभी तो सुनसान है, किसी वक्त पे तो ये आबाद होती होगी। जी तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं कले के अंदर और यहाँ पे मौजूद है इंतहाई शानदार और मशहूर शेकी खान पैलेस। दोस्तों, पैलेस के बारे में आपको मालूमात देता चलूं कि ये पैलेस सन 1797 में मोहम्मद हसन खान ने बनाया था। फ्रेंड्स, हम मौजूद हैं शेकी खान पैलेस के एरिया में। बहुत बड़ा कैसल है और मौसम ज़बरदस्त है, ठंडी है काफ़ी और जगह भी ऊंचाई पे है, लेकिन ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। सो एंजॉय करते रहिए मेरे साथ। दोस्तों, ये है महल का मरकजी गेट। दोस्तों, इस महल को बनाने का मकसद था कि सिर्फ गर्मियों में यहाँ पर रहा जाए। दोस्तों, ये डबल स्टोरी बिल्डिंग 6 कमरों पर मुश्तमिल है। इस महल को बनाने में 2 जबकि तज़ीन और आराइश में 8 साल लगे। ये दरख्त तकरीबन 3000 साल पुराना है। दोस्तों, महल की लोकेशन इंतहाई शानदार है। इसके अतराफ में खूबसूरत पहाड़ और गार्डन है जो कि एक दिल फरेब नज़ारा पेश करते हैं। महल के अंदरूनी कमरों की बात की जाए तो हर एक कमरा दूसरे से मुख्तलिफ है। कमरों की दीवारों और सीलिंग्स को इंतहाई शानदार तरीके से मुख्तलिफ पेंटिंग से सजाया गया है। इन पेंटिंग्स में जानवर और फूल वगैरह शामिल हैं। पैलेस के अंदर खिड़कियों पर मुख्तलिफ किस्म के इंतहाई शानदार किस्म के शीशे सजाए गए हैं जो कि इटली से मंगवाए गए थे। दोस्तों, ये महल इसलिए भी यूनिक है कि इसके बनाने में एक कील भी नहीं यूज़ की गई और ना ही कोई ग्लू। इस इंतहाई शानदार महल को कच्ची ईंटों, दरियाई पत्थर और दरख्त की लकड़ी से बनाया गया है। दोस्तों, महल के अंदर कुछ इस किस्म की खिड़कियां और दरवाजे हैं। खिड़कियों को इंतहाई शानदार शीशों से सजाया गया है जो कि इटली से मंगवाए गए थे। जी तो ये था शेकी खान पैलेस। अंदर से वीडियो लेना मना था, लेकिन आपको मैंने दिखा दिया कि आर्ट कैसा था अंदर से, और बहुत ज़बरदस्त जगह है, बहुत बड़ी जगह है और लाजमी ये विज़िट कीजिए। तो वीडियो में आज तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई जगह नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।